हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ये जो शिबा मीम टोकन है दोस्तों, क्या ये आने वाले समय में 1 रुपए तक जा सकता है। द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि शिबा टोकन अभी एक सिर्फ मीम टोकन है। अभी दोस्तों इसमें शिबा स्वीप का आना बाकी है। इसके अलावा और भी बहुत से कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि शिबा इनू कैसे 1 रुपए तक जाएगा, ये 1 रुपए नहीं 1 डॉलर तक भी कैसे जाएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई कि ये शिबा स्वीप का आना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आपके मन में ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिबा खुद का जो डिसेंट्रलाइज ऐप लेकर आने वाला है, इसका एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि दोस्तों यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। पहले देखिए कि शिबा के पास एक अपना खुद का कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुका है। इसको अगर आप जाकर के चेकआउट करते हैं तो सोशल मीडिया में, आप ट्विटर पर जाकर के चेक कीजिए और भी अलग अलग जगहों पर जाकर के चेकआउट करते हैं। बीएससी स्कैन पर इतने सारे होल्डर्स हो चुके हैं, हर जगह पर इतना हाई फैला हुआ है शिबा का। दोस्तों, एक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ कि शिबा स्वीप लाने का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। अब आप खुद सोचिए कि वहां पर आप अगर चेकआउट करते हैं तो शिबा मीम जो टोकन लिखा होगा वहां पर आपको एक बड़ा बड़ा में दिखता है कि शिबा स्वीप जो है वो एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना चाहता है। और दोस्तों, आपको भी पता है कि इकोसिस्टम का वैल्यू क्या है, इकोसिस्टम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। दोस्तों, इकोसिस्टम का मतलब होता है, मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं, एक कम्युनिटी डैट वर्क्स टुगेदर, ये होता है दोस्तों व्हाट इज इकोसिस्टम का डेफिनेशन। दोस्तों, जहां पर कम्युनिटी साथ में वर्क करे। दोस्तों, मैं बता दूं शिबा स्वीप जो है, ठीक है ना, शिबा स्वीप एक्चुअली जैसे कि कम्युनिटी जहां पर साथ में काम कर रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉरेस्ट को देखिए, मेराइंस को देख सकते हैं या आप डिजर्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप फॉरेस्ट में चेकआउट करते हैं तो वहां पर सब चीज एक दूसरे के साथ मिल करके वहां पर काम को किया जा रहा है। चाहे मेराइंस में जाकर के भी आप जैसे कि समुद्र में जाकर के चेकआउट करते हैं, या किसी पार्टिकुलर तालाब को ही चेकआउट करते हैं, या डिजर्ट को ही चेकआउट करते हैं। दोस्तों, वहां पर जैसे फॉरेस्ट में है, वहां आपकी जो आप ट्रीज हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ पर मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट है वो एक इकोसिस्टम को क्रिएट करता है, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे ही सेम शिबा स्वीप में अगर आप आकर के चेकआउट करते हैं तो शिबा स्वीप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, वो ये होता है कि यहाँ पर आपका शिबा टोकन तो होगा ही, दूसरा चीज एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसके साथ साथ शिबा स्वीप में आपको बॉन्स, लीसेस और डॉगी डाउ, ये सब जो है 4-5 चीजें आपस में साथ मिलकर के काम करेंगे। दोस्तों, एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर आप बाइनेंस, वेजीरेक्स या अलग अलग जगह पर ट्रस्ट वॉलेट में रखे हैं, बिट मार्ट में रखे हैं, हॉट बिट में रखे हैं, वहां से आप अपने शिबा टोकन्स को उठा करके शिबा स्वीप में क्यों लेकर जाएंगे। दोस्तों, इसका जो सिंपल और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखते हैं तो ट्रांसफर करने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है दोस्तों, आपको कुछ रिवार्ड मिलता है। क्या रिवार्ड्स मिलता है, जैसे कि दोस्तों आपको बॉन्स और लीचेज, ये सब जो है वो रिवार्ड्स में आपको बॉन्स मिलते हैं। दोस्तों, स्पेशली मैं जो ये बॉन्स, डॉगी डाओ, लीचेज, इन सब का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इसका क्या क्या असर पड़ेगा शिबा स्वीप आएगा तो। दोस्तों, सारे लोग अपना बाइनेंस से या ह्यूबाई ग्लोबल से या वेजीडेक्स से, बिटमार्ट, हॉटबिट, सारे लोग दोस्तों अपने टोकन्स को उठा करके यहाँ पर रखेंगे जब शिबा स्वीप में, तो वहां पर जो स्पेशल पॉइंट आ जाता है दोस्तों, लिक्विडेशन होगा, बहुत सारा एक बाइक लिक्विडिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों क्या होगा, आपका एक बहुत ही ज्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा शिबा स्वीप के आते हैं। दोस्तों, मैं इस पर एक और पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले चेकआउट करते हैं पैनकेक स्वीप को और यूनिट स्वीप को, ठीक है दोस्तों, तो पैनकेक स्वीप में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये दिखेगा कि इनका जो इवोल्यूशन है दोस्तों, पिछले अगर आप 7 महीने पहले देखते हैं तो मात्र 20 सेंट का पैनकेक स्वीप था, और दोस्तों आप अगर अभी देखते हो तो लास्ट टाइम अप्रैल में देखिए तो दोस्तों ये $44 का ऑल टाइम हाई को अचीव किया था। दोस्तों, अगर वही आप यूनिस्वेप को देखते हो तो यूनिस्वेप दोस्तों आपको अब से 9 महीना पहले ये भी लगभग 0.44 सेंट के आसपास था दोस्तों, लेकिन अगर अभी आप चेकआउट करते हैं तो ये भी लास्ट टाइम अप्रैल में जब एक बुल रन चला था उस टाइम पर दोस्तों ये भी लगभग आपका $44 के आसपास गया हुआ था ऑल टाइम हाई। लेकिन दोस्तों यूनिस्वीप जो है दोस्तों वो अपने पीछे बहुत ही, वो अपने पीछे लीड करता है दोस्तों अच्छे कंसेप्ट के साथ, जैसे कि दोस्तों वीजेन, और वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं वीजेन के साथ साथ वहां पर पॉलीगन जैसे अब प्रोजेक्ट है उसके साथ में, तो डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि हिस्ट्री जो है दोस्तों वो रिपीट करता है।
हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। दोस्तों इस पॉइंट्स का जो स्पेशल मतलब है दोस्तों कि जो इतिहास अपने आप को दोहराता है वैसा ही दोस्तों पैनकेक स्वैप यूनिट स्वैप जैसे अपने आप इतिहास को 100x से भी ज़्यादा पैनकेक स्वैप का प्रॉफिट दिया। और यहाँ पर देखिए यूनिस्वेप वो भी दोस्तों 100x का प्रॉफिट दिया। सीबा स्वेप भी दोस्तों आपको बहुत जल्दी 100x का प्रॉफिट देगा आते ही, क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसका जो अगर दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि 100x का प्रॉफिट देता है तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है वो ये कि 100x का मतलब होता है दोस्तों अभी 40 के आसपास नियरली चल रहा है, 50 मान लीजिए, लेकिन लगभग 40 क्योंकि 0.0009 और 10 के आसपास है तो मतलब लगभग 40, 2 जीरो हटाते हैं तो दोस्तों 1 सेंट के नियर अबाउट आ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं बता रहा था कि इजिली दोस्तों अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखते हो तो वो गए हैं, ये भी जाएगा। अभी दोस्तों आप सर्टिक के वेबसाइट पर आकर के चेकआउट करते हैं तो पैनकेक स्वैप अभी भी सबसे टॉप पर लीड कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसको हटाने वाला मेरे ख्याल से वो सीबा स्वैप ही रहने वाला है। आने वाले टाइम समय में सीबा स्वैप इसको रिप्लेस करने वाला है, ये तो कन्फर्म है। दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं यहाँ पर कि अमेजन दोस्तों आप यहाँ पर आकर के चेकआउट कीजिएगा तो रेस्क्यू में आप यहाँ पर देखिएगा तो ये सीबा डॉग को लेकर के जो है ना चैरिटी में ये डोनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अमेजन स्माइल दिखेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं अमेजन को भी, है ना। तो दोस्तों यहाँ से ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा आएगा अमेजन के वेबसाइट पर। दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है कि जैसे एलन मस्क डोज कॉइन को प्रमोशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीटर हैं उनका जेफ बेजोस भी। दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर ये आता है कि जेफ बेजोस के भी मन में कहीं ना कहीं ऐसा कभी आएगा कि भाई ऑलरेडी सीबा टोकन उसका प्रमोट भी कर रहा है यहाँ पर अमेजन स्पाइल्स में चैरिटी को डोनेट करके। दोस्तों वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक जेफ बेजोस के मन में जब भी ऐसा आया तो वो कहीं ना कहीं एज एक्सेप्टेंस को ये इन फ्यूचर कभी ना कभी एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि आप अमेजन ने कोई भी थिंग्स को कोई भी आप सामान को आसानी से खरीद सकते हो सीबा टोकन को यूज करके। तो एक पॉसिबिलिटीज है कि अगर एलन मस्क अगर प्रमोट करता जा रहे हैं डोज कॉइन को तो इन फ्यूचर अगर मीम टोकन्स को जेफ बेजोस जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी ये भी है अमेजन के मालिक, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक यहाँ पर भी एक हमारे पास क्वेश्चन आता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ये इवोल्यूशन देखते हैं सीबा स्वैप का ये इकोसिस्टम देखते हैं जो कि इसको सुपर स्टेबल बना रहा है, दोस्तों कहीं ना कहीं ये इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। दोस्तों मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, दोस्तों आप वीडियोज़ में आते हैं देखते हैं लेकिन दोस्तों आप अभी यहाँ पर देखिए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आकर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए। यार हम लोग आपके लिए मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में होता है और आगे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आता है अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों मेरे ख्याल से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे मैं आपको आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियोज बना के लाने वाला। दोस्तों अगला वीडियो जो होगा वो बॉन्स लीसेज और डॉगी डॉग का पूरा फुल डिटेल होगा कि कैसे ये मिल करके आगे बढ़ाएंगे और कैसे आप अपने सीबा क्वाइंस को सीबा टोकन्स को स्टेक कीजिएगा सीबा स्वैप में तो आपको बॉन्स कैसे मिलेंगे, फिर उसको आप कैसे टी बॉन्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ब्यूरी और डिगिंग करके आप कैसे बॉन्स और लीसेस के थ्रू क्या क्या होगा इस पर मैं पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मेरे ख्याल से वो वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई अपडेट के साथ।